नमस्कार बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम योगा करेंगे, है ना, और योगा के कुछ आसन सीखेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल COVID-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमें योगा करना और प्राणायाम करना अपनी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज मैं जो भी सिखाऊंगी आप भी कर सकते हो, आपके माता पिता भी कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि हम योगासन में बैठते किस तरह से हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बैठते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ऐसे बैठते हैं, है ना, पर योगा में हम कैसे बैठते हैं, देखिए। इस पैर को उठा के यहाँ पे रखिए, आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपका जितना हो सकता है आप उतना ही करिए, ठीक है। देखिए, इस तरह से हम लोग योगासन में बैठते हैं, है ना। इससे क्या होता है, देखिए, अपने ये दोनों उंगलियाँ और ये दोनों उंगलियाँ मिलाइए, अपनी पीठ को सीधा करिए और इस तरह से बैठिए, ठीक है। और इस तरह से बैठ के आंखें बंद करके आप अपना ध्यान को एकत्रित कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका मन शांत होता है और श्वास को धीरे धीरे से लीजिए, ठीक है। तो आज आपने बैठना सीख लिया है योगासन में कैसे बैठते हैं, है ना। चलिए मैं आपको एक और प्राणायाम सिखाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं। आपको बैठना ऐसे ही है या आप आसानी से जैसे आप बैठ सकते हैं, पंथी मींच के आप वैसे बैठ सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपनी दो उंगलियों का यूज़ करना है, ये अंगूठा का और इस उंगली का, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले अपना अंगूठा अपने नाक पे रखना है एक साइड पे, फिर धीरे से लेफ्ट साइड से नाक के हमें श्वास को अंदर लेना है। जब हम श्वास को अंदर ले लेंगे फिर रुकना है हमें, फिर राइट साइड से हमें क्या करना है, श्वास को बाहर निकाल देना है, श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर राइट से ही हमें श्वास को अंदर लेना है और ये, ठीक है, जैसे इस तरीके से लीजिए श्वास को अंदर, ठीक है, फिर रुकिए और फिर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर ये सब हम बार बार करने जा रहे हैं, फिर लेफ्ट से ही श्वास को अंदर लीजिए, रुकिए और फिर राइट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर राइट से ही श्वास को अंदर लीजिए, रुकिए और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से श्वास को लीजिए, रुकिए और राइट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से हम इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। आप अभी छोटे हैं तो आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की योगा क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की हम लोगों ने क्लास में सीखा कि हम कैसे बैठते हैं और कैसे हम लोग ये प्राणायाम करते हैं, ठीक है। नमस्कार।